चश्मा टूटा है मेरा, ध्यान से देखिए, अंधा काना बहरा सब दिखता है। एक मेरा एक चीज घूम गया, मैं कल से दो दिन से ढूंढ रहा हूँ, मेरा चश्मा घूम गया, चश्मा अभी तक मिला नहीं, मैं क्या पता मेरा चश्मा किधर गया, मुझे खरीदने गए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ओके, पैसा देना तो एक काम करो, जो मुझे पैसा देंगे आज मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, ओके, तो मैं चश्मा खरीद लूँगा, मेरे लिए चश्मा तो भेज। बाइक के बाद चश्मा टूटा दिखाओ, ये देखो चश्मा टूटा है, कोई प्यार करता होता तो मुझे चश्मा भी भेज देना, नहीं तो मैं जयप्रकाश चश्मा निकाल के पहनूंगा, फिर जयप्रकाश चश्मा निकाल के पहनूँ तो अंधा दिखेगा, फिर इसको ये अंधा दिखेगा तो उसको पब्लिक कोई पैसा देके डाल के आएगी। चश्मा ले लो, चलो ठीक है, कर गया तो ऐसा मेरे साथ, ऐसा कर गया, अच्छा कहा नहीं भाई, अच्छे से अच्छे से मेरे साथ कर, छोड़िए टाटू स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और स्टूडियो में और भी टाटू चल रहे हैं, यहाँ पे ओमकार भाई टाटू बना रहे हैं, ओमकार भाई क्या बना रहे हैं आप? छत्रपति शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट है। रोहित भाई मेरे को चश्मा दिलाएगा रोहित भाई, 100 रुपये दिलाएगा, खर्चा करेगा, देखो सबके सामने मेरा चश्मा खर्चा करेगा, चश्मा मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, काना हूँ। ओके, अभी मैं अभी जा रहा हूँ भाई के बाजू में सोने के लिए, टैटू जयप्रकाश टैटू पर रुका, अभी आज का अपॉइंटमेंट, चश्मा टूटा है मेरा, ध्यान से देखिए, अंधा काना बहरा सब दिखता है। एक चीज कर रहा, जयप्रकाश से कमरा देखो, कमरा कितना बड़ा है, देखो जूम करके देखो, कमरा है। जयप्रकाश का आउटलाइन हो चुका है, रोहित भाई का भी आउटलाइन बाकी है, और ओमकार भाई टैटू करने जो छत्र बोला उसको टैटू करे उसका बाकी है। आज मैं आज आराम से फ्री बैठा, आज मुझे आराम है तो भी घर को भी आराम है मेरे घर वाले को। ओके, सोचो जयप्रकाश का भाग के शादी करेंगे हम लोग, आज इसको लड़की मतलब मुंबई में आज इसको लड़की पसंद आ गई, हम लोग कल वड़ा पाव खाने गए थे, उसको एक लड़की पसंद आई, रोज बिल्डिंग के नीचे जा रहा, दो दिन से देख रहा हूँ वड़ा पाव खाने के लिए जा रहा है। ओके, आज भी मुझे रात को सोते समय मुझे बोला, गणेश आज भी अपन साथ जो वड़ा पाव खाने जाएगी बिल्डिंग के नीचे, चल ठीक है डन, तेरा उससे शादी करा, बोला भाई मेरा शादी करा दे प्लीज, भाई बस मेरे को अपनी शादी करा दे, बोला ठीक है तेरा करा दे, बोला ना मेरी शादी अगले महीने, किसकी? तू बोला ना अगले महीने। अरे मेरा भाई, इसको कमजोर मत समझो, वो साना ये दिल पे मतलब वो साना टिश्यू पेपर किसकी माला, तकलीफ बोला ना, जल रहे जनरल, जलो मत, बराबरी करो, सुनना बोलना मेरा भाई, तू टैटू आर्टिस्ट है, टैटू में कौन सा टैटू पसंद है? मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे टैटू फील्ड में ओके, मुझे 7 या 8 साल हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे फेवरेट मेरा बॉडी पे जितने भी टैटू है, मतलब मेरा बॉडी पे 35 टैटू टोटल है, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट टैटू बोलो तो मेरे को एक ही पसंद है, मेरी मम्मी का ही, मेरी मॉम का, मम्मी और पापा का, मम्मी पापा है तो आपन भी है इतना राजी, बस और कुछ नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ, आई लव यू मॉम यार, बस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टैटू आज के दिन का, आज वैसे भी फ्राइडे है गाइस, तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, तो मजा आ रहा है, वैसे जो आप लोगों ने कल का वीडियो देख लिया गाइस, तो हाफ स्लीव था एंड देन वो कंटिन्यू मुझे पूरा करना है स्लीव, तो अन्ना वैसे भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो उनका स्लीव मुझे कंटिन्यू करना है। तो गाइस ये अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का टैटू बना रहा हूँ, तो इसके नीचे जो टैटू किया है क्षत्रिय कुलावंतस,
तो ये टाटू किसने बनाया? ओमकार भाई ने। ओमकार भाई ने। तो ये टाटू गाइस जो ओमकार भाई ने बनाया, सर आपने कहाँ पे देखा? यूट्यूब पे देखा। ओके, तो मेरे से बयान का रीजन कुछ तो रहेगा। वर्क अच्छा लगता है। कहाँ से प्रॉपर सर? कोल्हापुर से। कोल्हापुर में बापू कहाँ पे? कोल्हापुर से महालक्ष्मी में कितना दूर है? कोल्हापुर सिटी में है। ओके, प्रॉपर सिटी में ही है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का डे। आज वैसे भी गाइस फर्स्ट टैटू है छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो आप सोच सकते हो क्या एनर्जेटिक टैटू है मेरी लाइफ का। तो गाइस अभी देख सकते हो ज्यादा क्राउड भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा सिंप्लीफाइड किया। जैसे मैं आया वैसे सारे अपॉइंटमेंट मैंने दो अपॉइंटमेंट इनसाइड रख दिए, क्योंकि एक प्राइवेट टैटू था, जितना हो सके उनको एकदम सिक्योर रखा, क्योंकि कैमरे के बीच में थोड़ा भी आ गया तो वीडियो यार कैसा होता है, मैं वीडियो अपलोड करने के बाद फिर कोई बोलता है ना कि वीडियो आप प्राइवेट कर दो या डिलीट कर दो, मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे कोई कोई होते हैं। तो इसकी वजह से कोई कोई वीडियो मैंने प्राइवेट रख दी है पहले वाले जो पास में थे, तो इसकी वजह से हम पहले से ही प्लान करते, क्लाइंट को हमेशा पूछते हैं कि वीडियो शूट चलेगा क्या, वीडियो शूट चलेगा, तो क्लाइंट जैसे कंफर्टेबल होगा हाँ बोलता है, नहीं होगा तो हम डायरेक्ट उनका शूट वगैरह लेते नहीं है। फिलहाल अभी कोल्हापुर से जो टैटू करने आए थे उनका टैटू चल रहा है साइड बाय साइड, मैंने जस्ट 5 मिनट का ब्रेक लिया। अन्ना जो आए थे जो कल वाला टैटू जो आप लोगों ने देखा माउरी वाला टैटू, उनको हमने बोला कि थोड़ा शाम को आ जाइए 5-6 बजे, क्योंकि यार ऑलरेडी बहुत सारा क्राउड आप लोगों ने देख लिया कितना क्राउड था, हद से ज्यादा क्राउड था। तो क्योंकि एक लाइन के साथ 4-5 जन आते हैं, उनके फ्रेंड लोग आते, क्योंकि सारे लोग दूर दूर से आते, राइट। सो ऑब्वियसली पार्टनर के लिए कोई ना कोई चाहिए रहता है। सुमो की नींद पूरी नहीं होगी, रात को सोया नहीं सुमो। अंदर इनसाइड आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड बाय साइड दोनों भी चल रहे हैं कंटिन्यू। और ये स्पेक देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, ये टी शर्ट देख सकते हैं अर्बन मंकी ने दिया है मुझे। तो जिनको भी ऐसे टी शर्ट चाहिए ना स्पेक्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे स्पेक्स है मेरे पास, उन लोगों ने मुझे दिए है। तो गाइज मैं एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि वहां से ले लो, नहीं तो फिर मैं क्यों बोलूँ, है ना। बेटर देन कि मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगा इसके लिए कि अच्छे कपड़े रहेंगे या अच्छे क्लॉथ्स रहेंगे, अच्छे एक्सेसरीज रहेंगे, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि आप ले लो, बाकी कुछ नहीं। बाकी फिलहाल इनसाइड जाता हूँ, इनसाइड जाके फिर टैटू स्टार्ट करते हैं। अरे वाह मेरे भाई, कैसे है मेरे भाई? अरे निकालेंगे रामदेव बाबा का फाइनली टैटू चालू कर रहे, मेरा सेकंड अपॉइंटमेंट डे। स्वप्निल भाई ट्रेसिंग कर रहे इधर अपने भाई का। भाई लोग कहाँ से? तुम लोग मलर से? साइकिल से? किससे? बाइक से? चलो अच्छी बात है। किसका नेम निकाल रहे तू आज? गर्लफ्रेंड। शादी हुआ कि नहीं? तीन साल बाद। बाद में कवर हो गए तो बीच में ठीक है भाई का ऐसा कोई मत मस्ती कर रहा था, मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान के अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी शादी हो जाए और हनीमून के लिए शिमला जाए। चलो ठीक है चालू करते, ओके डन। तो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है, एक बार क्लीन करके आप लोगों को दिखाया था गाइस। बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत ज्यादा प्रिटी नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा अच्छा टैटू बनाया मैंने सर, स्पेशली मेरे लिए कोल्हापुर से आया गाइस। सो गाइस सी दिस टैटू गाइस, सो आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज विद क्षत्रिय कुलावंतस। सो मैंने जो शिवा है गाइस वो मैंने ब्लू कलर की है, जिससे मैंने स्प्लैटर डाले जिससे और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है गाइस। सो पगड़ी प्रॉपर देख सकते हो गाइस, सो ओवरऑल लुक कितना पावरफुल लग रहा है। सो सर कैसा लगा टैटू? मस्त है, एक नंबर। यू हैप्पी? हैप्पी। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था स्टूडियो का? मस्त, बहुत सही था, सारे बंदे बहुत अच्छे हैं, फनी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गिव मी हाई फाइव सर। जय शिवराय सर, जय शिवराय। सो गाइस फाइनली सर का टैटू कंप्लीट हो गया है। तो गाइस सी दिस टैटू, शो मी टैटू सर। सो ये आप देख सकते हो गाइस कितना मस्त लग रहा है, ये इनकी साइन है और यहाँ पे रोमन अंक है। सो ओवरऑल लुक, सो सर कैसा लगा टैटू? काफी अच्छा लगा, एंजॉय मिला अंदर। अंदर कौन सा एंजॉय? बहुत कुछ खाने के लिए भी मिला। ओके, सो यू हैप्पी? हां बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई, गिव मी हाई फाइव, बूम।
तो गले में बांधने का रीजन क्या है? लास्ट क्वेश्चन, ये रह रहे यहाँ पे कोई बनाया नहीं है। ओके यहाँ पे कोई बनाया नहीं, इसलिए तू थोड़ा सा यूनिक बनना चाहता है। ओके ओके चलो, कोई बनाया नहीं था। यस परफेक्ट। सो गाइस आप लोगों ने देखा कल का वीडियो में से वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। जिन लोगों ने नहीं देखा कल का वीडियो तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। सो ये ओवरऑल इतना पार्ट हो गया था गाइस, से वाला पार्ट ये सबसे पेनफुल एरिया था। अभी ये वाला पार्ट बाकी है, तो ये वाला पार्ट मुझे करना है। तो जो बुद्धा विद लोटस है वो हमेशा हम ऐसे ही रखेंगे, पर इसको प्रॉपर 3D करेंगे। बाकी जो एलिमेंट्स है उसको हम मस्त की कस्टमाइज करेंगे एंड प्लान करेंगे, जितना हो सके उतना बेच करने की कोशिश करेंगे। सो कल का सेशन बहुत ज़्यादा, मतलब कल के वीडियो में आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ये एल्बो वाला पार्ट है गाइस सबसे पेनफुल था। अभी आर्म वाला पार्ट है तो देखते हैं कितना पेन होगा। ऑलरेडी स्किन बहुत गर्म है, नींद पूरी हुई है ना, और अन्ना स्पेशली कर्नाटक से आए मेरे लिए, अरे टैटू करने गए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। वैज पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है मेरे माइंड में, एंड मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं, तो मैं बताऊंगा नहीं कि मैं क्या बनाया। आप देखते रहो वीडियो पूरा, आपको खुद ही पता चलेगा एंड तक कि ये पूरा जो टैटू है कैसा बनाया। पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरा प्लानिंग के साथ किया, ऐसे नहीं कि रैंडम, सब कुछ प्लानिंग है, सब कुछ सेट है मेरे माइंड में। बस आप लोग एंजॉय करो ये वीडियो, बस मचाते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अन्ना का टैटू फिर से। बीच में हमने एक घंटा ब्रेक लिया था, इसका रीजन था कि हमने ना गुप्पू द राइडर के लिए साथ ड्राइंग किया था, तो उसके दो तीन प्लेट में डाल रहा साइड टू साइड, देख भी जाना क्योंकि बहुत बहुत मस्ती की थी उसके साथ। अन्ना को बहुत ज़्यादा पेन हो गया, दो दिन से हम टैटू कर रहे हैं, दो दिन से गाइस। तो ये जो पूरा हाथ आप देख सकते हो ये पूरा हाथ सूज गया है नॉर्मली, है ना। एक बार खड़े रहना प्लीज, ये वाला हाथ देख सकते हो, ये वाला हाथ देखो, ये वाला हाथ कितना डिफरेंस है। ये रॉक का हाथ लग रहा है, अन्ना का हाथ लग रहा है इतना छोटा, तो ये कितना बड़ा हो गया। तो इससे ही पता चलता है कि स्वेलिंग कितनी ज़्यादा है, तो वही चल रहा है। तो अभी इतना पार्ट बाकी है तो चल ही रहा है साइड बाय साइड। अन्ना को ऐसे ही ब्रेक चाहिए था बीच में, तो इसकी वजह से हमने अभी खाना वगैरह भी खा लिया, वहाँ पे कंसल्टेशन चल रहा था क्लाइंट्स के। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस, अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सारे अपॉइंटमेंट फटाफट कर भी दिए, अभी सिर्फ अन्ना के ऊपर फोकस है ना। अंडरस्टैंड, आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, आपको बहुत दर्द हो रहा है तो क्या कर सकते, करना पड़ेगा। चलो हाँ सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैम का टैटू मैंने वैसे ही अन्ना को ब्रेक दी थी, अन्ना को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था इसकी वजह से। तो अभी ये सेकंड टैटू स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये प्लान के सभी फर्स्ट टैटू या सेकंड टैटू? नहीं, फोर टैटू। ये फोर्थ पर है? सो लायन एंड देन लेडी का फेस की रीजन क्या? ऐसे ही निकालना था बहुत टाइम से। तो मेरे से बाहर का रीजन क्या था? यही अच्छा लगता है, क्या देखा था मैंने मोबाइल पे। जस्ट टैटू कंप्लीट हो गया है ब्लैक एंड ग्रे, अभी जस्ट वाइट अपलोड करने में। वाइट सिर्फ हम आईज में करेंगे दोनों के भी, मेरी फेस और लाइन में। फिर उसके बाद ये टैटू होने के बाद फिर अन्ना का टैटू स्टार्ट करेंगे। भाई फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया था, एक बार क्लीन करके आप लोगों को दिखाया था भाई टैटू, अगर लुक लाइक स्केच ही है, एक स्केच किया हुआ है तो वैसे ही अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेफरेंस लगाया, ये देख सकते हो ऐसा प्रोडक्ट है, हमें ऐसे ही बनाना है। इनको रैप किया था सर को, रैप मतलब ये हाथ को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना पूरा प्लाज्मा है गाइस, नॉट ब्लड, ये ब्लड नहीं है,
ये प्लाज्मा है, तो अभी ओमकार भाई एक बार क्लीन कर देना मेरे भाई, और कुछ नहीं। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्लाज्मा है, तो ये सब कुछ हमें क्लीन करना है अच्छे से। अभी देखते हैं अन्ना कितना सह सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट गाइस इतना ही पार्ट बाकी है, ये वाला पार्ट और इनसाइड वाला पार्ट, इनसाइड भी है, इनसाइड दिखा ना अन्ना। सो ये वाला पार्ट बाकी है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, होप अन्ना पूरा करे। यस 100% 100%। पानी लड्डू हो चुका है भाई, मतलब मिनिमम आधे घंटे में लड्डू किया, लेकिन कंटिन्यू बैठा है, मानने पड़ेगा तकलीफ तो हुआ, लेकिन तुम्हारा लड्डू तो अच्छा मिला। बिल्ली गिफ्ट दे दिया मेरे को, मतलब मेरी गिफ्ट है इनको, बहुत बड़ी बात आया, मैं बिल्ला बन के आया और हंसी भी आया, मस्ती भी की हम लोग आखिर में। कैसे लगा आपको मस्ती मेरा? अच्छा लगा, ना आप देखते हैं फाइनली टैटू हो चुका है, एक लायन एक नेम टैटू, लायन एंड मेडूसा ही देख सकते हैं कितना डिटेलिंग में सर किया। एंड सेकंड टैटू ये अपने भाई का नेमन का टैटू किया है। मैम टैटू कैसा लगा तुम दोनों को? बहुत अच्छा लगा। और खुश रह पे ना तू? चल ठीक है, फाइनली कभी भी आना तो टैटू इधर मुझता इसमें करना। ओके चल ठीक है बाय, टेक केयर, सुनो ना। तो गाइस सी दिस टैटू गाइस, तो ये आप देख सकते हो यार, ये लाइट इतनी प्रॉब्लम दे रही है जिसकी वजह से शाइन हो रहा है, अभी क्या कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं गाइस, ये पूरा मतलब ये हमने कल बनाया था और ये आज बनाया, आज आप देख सकते हो यहाँ तक बनाया। और एक मिनट, ये इनसाइड वाला भी, तो ये इनसाइड वाला पार्ट थोड़ा सा रिकाम ही है, मतलब खाली है। और यहाँ का जो बुद्धा गाइस, वो नेक्स्ट मंथ करेंगे, क्योंकि अन्ना अभी डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ आएंगे, क्योंकि इनकी एग्जाम है, इंटर्नशिप है इसकी वजह से। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ तक हो गया है ना, एक बार ऐसा मुंह करना प्रॉपर हाथ गाइस, सीधे स्टार्ट हो गाइस, कितना मस्त, कितना फाड़ लग रहा है, एकदम फाड़ू लग रहा है। सो अन्ना कैसा लगा टाटू, आप मुझे बताओ। बहुत सही लगा। यू हैप्पी? या यहाँ पे आके कैसा लगा? यहाँ पे आके बहुत सैटिस्फेक्शन लगा। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का, सॉरी क्लाइमेट नहीं सॉरी, यहाँ का स्टूडियो का मतलब हमारा माहौल, हाँ माहौल कैसा है? अच्छा लगा। चलो गाइस थैंक यू सो मच अन्ना, गिव मी हाई फाइव अन्ना। ये पेन बहुत ज्यादा था, आई एम रियली सॉरी अन्ना, दर्द बहुत दिया आपको, वर्थ है पर, है ना, पेन वर्थ है पर, ठीक है। अभी थोड़ा सा ही बाकी है, ज्यादा बाकी नहीं, यहाँ तक इतना ही पार्ट बाकी है गाइस, और इतना ही पार्ट बाकी है, तो ये शायद 5-6 घंटे में हो जाएगा। पर ये हम सोच रहे अन्ना वैसे भी कल के लिए रुके है, बट मैंने खुद नहीं बोला था ये कल नहीं करते, डायरेक्ट अभी 15-20 दिन के बाद ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यार आप देख सकते हो ये हाथ कितना पतला है, ये हाथ कितना पतला है, ये हाथ कितना जाड़ा है, आप खुद ही देख सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो, ये हाथ पतला ये हाथ जाड़ा, तो ऐसा वाला सीन है गाइस। इसकी वजह से हम सोच रहे क्यों ना हम एक मंथ के बाद ही टाटू करें। सो थैंक यू अन्ना यहाँ पे आने के लिए। सो गाइस फाइनली अन्ना का टाटू अभी आधे छोड़ दिया, अभी खत्म करते हैं आज की अपॉइंटमेंट। सर का भी टाटू कंप्लीट हो गया, एंड देन मैम का, इनके मैम का भी टाटू कंप्लीट हो गया, मस्त। यू हैप्पी सर? थैंक यू सो मच। एंड देन भाई यार, ये भाई अन्ना के साथ आए थे, भाई के पार्टनर, देन अभी सारे स्टाफ्स वगैरह निकल जाएंगे यहाँ से, निकल जाएंगे हम भी, मैं जाने घर पे जाऊंगा, फ्रेश होकर फटाफट नहाऊंगा, मस्त पीके, सॉरी नहाऊंगा फिर फ्रेश होगा, सॉरी फ्रेश ही होना, नहाना वगैरह एक ही हो गया,
फ्रेश होऊंगा, फिर डायरेक्ट क्या अपना वीडियो एडिटिंग का करेंगे एंड देन सो जाएंगे खाना करके, तो डायरेक्ट घर पे मिलते हैं। ओके सो गाइज, सोच रहे थे हम घर जाए पर नहीं जा पाए थे क्योंकि और एक टैटू की अपॉइंटमेंट है आज रात को, तो फिर वो भी करना है। सो गाइज, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज उनको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू गाइज, कीप रॉकिंग एंड जय शिवराय।